जी इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के NIT घाट स्थित कृष्णा घाट पे, जहां देख रहे हैं आप ये गंगा के गोद में खूबसूरत सा नज़ारा, जो मेरिन ड्राइव है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, और जो गंगा बीच गंगा में जिस तरह से ये अवस्थित ये मेरिन ड्राइव बन रहा है, ये खूबसूरती का ऐसा एक नज़ारा, एक मनमोहक नज़ारा, जब ये बन के पूरी तरह से तैयार होगा तो पटना वासियों को एक बेहतरीन तोहफा मिलेगा कि जब आप इस मेरिन ड्राइव में सफ़र करेंगे तो गंगा की खूबसूरती के बीच यहाँ पर जो पर्यटन स्थल है, मंदिर हैं, और घूमने के लिए एक अति जो है मनमोहक दृश्य देखने को यहाँ पर मिलेगा। जिस तरह से लोग यहाँ पर सुबह और शाम में लोग यहाँ पर आते हैं, एक खूबसूरत नज़ारा है, काफ़ी भीड़ें रहती है लोगों की, यहाँ पर हर शनिवार को गंगा आरती भी होती है। तो जिस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एक मेरिन ड्राइव है, जब यह बनकर के पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो यहाँ जो पटना की जो सड़कें हैं, जो लगातार जो है ट्रैफिक जाम से जो है वो समस्या बनी रहती है, लगातार अधिकारी के कोशिश के बावजूद कहीं ना कहीं वो अभी तक सफलीभूत नहीं हो पाया है, तो कहीं ना कहीं इसके बन जाने से जो पटना की जो सड़कें हैं जो भरी रहती है, वो पटना की जो सड़कें हैं वो कम से कम वहाँ पे लोगों को इस भीड़ से निजात मिलेगी, और बिल्कुल शहर से हटकर ये एक मेरिन ड्राइव से लोग सफ़र करेंगे, और यहाँ पर जो जाम की समस्या रहती है, लोगों को घंटों देर लगता है सड़कों से अपने गंतव्य स्थान तक जाने में, उसमें जो है कमी आएगी, और इस मनमोहक नज़ारा को देखते हुए और अपने सही तरीके से अपने सफ़र का आनंद ले सकेंगे, और बिल्कुल एक उन्हें खास एक अनुभूति, अच्छी अनुभूति महसूस होगी। और जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पिलर है, जो लगातार गंगा के बीच में पिलर बनी हुई है और बन रही है, लगभग आधी जो है वो सड़कें लगभग बन चुकी है पुल, और कहीं काम जो है पूरी तेज़ गति से यहाँ पर चल रही है, सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है, लगातार उसमें लोग काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह से जो देख रहे हैं गंगा के बीच का ये नज़ारा, काफ़ी मनमोहक नज़ारा है। देख रहे हैं कि गंगा के किनारे यह मेरिन ड्राइव बन रहा है, यदि ये बनकर तैयार हो जाता है तो कितने लोगों को आसानी मिलेगी और कितने इससे लोगों को, पटना वासी को जो है खुशी मिलेगी? तो बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि रास्ता जो है इधर जो जाम जो लगती है उससे बहुत ऐसा लग रहा है कि जाम का जो प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक मतलब कि यहाँ पे क्लियर होगा उस रास्ते बनने से, और यहाँ के लोगों को बहुत सुविधा होगी आने जाने में। पटना नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, इनको बन जाने से कहीं ना कहीं जो शहर में जो घनी आबादी के कारण ट्रैफिक जाम रहती, कहीं ना कहीं ये शहर से हटकर ये मेरिन ड्राइव से लोगों को बहुत जाम से निजात मिलेगी। हाँ एकदम, क्यों नहीं, क्योंकि इतना अच्छा बनाया जा रहा है और इस सरकार में काफ़ी मतलब कि खर्च भी हुआ है, इससे बहुत राहत होगी मतलब यहाँ के वासी को और जो भी बाहर के लोग हैं उन लोगों को भी। गंगा के गोद में बन रहा है ये मेरिन ड्राइव, खूबसूरती के नज़र से आपको कैसा लग रहा है? जी खूबसूरती की भी नज़र से अच्छा लग रहा है और डेवलपमेंट नज़र आ रही है राजधानी की, मतलब कुछ अलग हट के सोचने की कोशिश सरकार ने की कर रही है नीतीश सरकार की। जी सबसे पहले तो बताना चाहते हैं कि ये पटना में बनने जा रहा है ये, तो मेरिन ड्राइव तो सबसे खुशी का बात है कि बिहार पे भी कुछ ध्यान दिया जा रहा है, और जो भी मतलब दिग्गज गांधी सेतु के लिए ये मतलब बन के तैयार हो रहा है तो सभी लोगों को अच्छे से मतलब सुविधा मिलेगा, भव्य नज़ारा देखने को मिलेगा, और जो भी जाम का दिक्कत होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। आप कहाँ से हैं? पटना से? जी पटना से। तो पटना से हैं तो खास करके तो पटना में जिस तरह से जाम की समस्या रहती है वो अलग एक अद्भुत नज़ारा है, यहाँ पर पर्यटन स्थल भी, लोग पर्यटक लोग भी आते हैं, काफ़ी सुंदर नज़ारा है। इसके बीच जब ये बनेगा तो क्या कहेंगे नीतीश कुमार जो सरकार है बिहार की, क्या उनकी अच्छी पहल है क्या? जी बहुत अच्छी पहल है, ये बहुत अच्छी पहल है कि हमारा जो ये घाट है वो भी बन के नीतीश कुमार सरकार के ही राज में ये हुआ है, और ये मेरिन ड्राइव भी मतलब मेरिन ड्राइव भी हो रहा है तो अच्छा है। कुछ लोग और हैं मेरे साथ जो उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से, आपका क्या नाम? पटना से विकास कुमार। अच्छा पटना से विकास कुमार जी हैं, आप लोग यहाँ पहली बार आए हैं क्या? नहीं हम लोग यहीं कराने वाले हैं। तो इस घाट पर आप पहली बार आए हैं क्या? नहीं इसके पहले आए हुए हैं। तो ये कितने दिनों से काम चल रहा है और क्या लगता है कि ये जो काम मेरिन ड्राइव का चल रहा है इसमें तेज़ी से चल रहा है या काफ़ी लेट लतीफ़ी हो रही है? ये काम बहुत पहले से चल रहा है लेकिन बहुत फास्ट हो रहा है ये काम, तो बहुत फास्ट हो रहा है, लग रहा है कि मतलब जल्दी से ये रेडी हो जाएगा,
और पुल बन जाने के बाद जो सिटी में जो भी मतलब समस्या है, जाम की समस्या है, उससे छुटकारा मिल जाएगा लोगों को। और जो ऑफिस जाने के लिए जो भी टाइम एक्स्ट्रा लगती हैं उसके लिए बेटर रहेगा ये। तो ये नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्या लगता है कि इसके बनने से पटना वासियों को काफ़ी राहत मिलेगी, जाम से मुक्ति मिलेगी और ये जो नज़ारा है वो देखने साथ अपने कम समय में अपने दूरी को पहुँच पाएंगे? बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा लगेगा जब बन जाएगा तो देखने में भी खूबसूरत लगेगा और जाम की समस्या काफ़ी दूर हो जाएंगी और लोगों को टाइम की बचत होगी इससे। ठीक है, हम बात करते हैं, आप कहाँ से हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम उत्तम कुमार है, जो मैं भी पटना ही से रहता हूँ। अच्छा, क्यों ज़रूरत पड़ी ये नीतीश कुमार को ये मैरीन ड्राइव बनाने की? मैरीन ड्राइव बनाने के लिए सुविधा अच्छा, जो आम नागरिक हो पटना का या गांव का भी कोई किसी का भी, वो उसके लिए राहत मिले और यही जो है कि अच्छा से सबको टाइम पे मिल जाए, कोई भी लेट हो ना किसी को कहीं जाने का आने का, यही उनका इच्छा। तो आप पटना के हैं, यदि ये बनकर तैयार हो जाएगा क्या आप इस पे सफ़र करना चाहेंगे? बिल्कुल, जब बन जाएगा तो हम लोग पहले आएंगे यहाँ पे सफ़र करने के लिए, नज़ारा भी लेंगे इसका। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा नीतीश कुमार एक पटना वासी को बड़ी तोहफा देंगे, उसके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे कि जो हम लोग के लिए ये अच्छा काम किया है और जो भी है हम ही लोग के लिए वो कर रहे हैं हर चीज़ के लिए। या उनके जिस तरह से लगातार न्याय के साथ विकास करने की उनकी मंशा है, लगातार बोलते भी रहते हैं, क्या उस पर वो खड़े उतर रहे हैं? हाँ बिल्कुल उतर रहे हैं, जो भी है उन्हीं का राज से हर चीज़ अच्छा हो रही है, डेवलप भी हो रहा है, पुल भी जगह जहाँ बन रहा है, हर जगह फोर लाइन भी बना, ये भी बना, जहाँ भी बन रहा है उन्हीं का राज से ही बन रहा है, अच्छा ही बन रहा है, डेवलप हो रहा है, इसीलिए कारण से। देख रहे हैं ये गंगा के बीच जो ये मैरीन ड्राइव बन रहा है, किस तरह से ये इस गाड़ी से जो है वो सामान लेके उस पुल तक पहुंचाया जा रहा है। वहाँ पर काफ़ी जो मज़दूर हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं, जो इसके पुल को बनाने वाले हैं, मैरीन ड्राइव को बनाने वाले हैं, उसके तमाम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। और जिस तरह से एक पुल के ऊपर जो एक किरान टाइप का उनसे उस सामान को पहुंचाया जा रहा है, वहाँ पर उसका काम हो रहा है और ये काम त्वरित गति से चल रही है। लगातार ये पहल है कि जल्द से जल्द इस मरीन ड्राइव को पूरा, इस काम को पूरा कर लिया जाए। और जो यहाँ पर भी देख रहे हैं जिस तरह से मरीन ड्राइव है, वहाँ पर भी लोग काम कर रहे हैं, काफ़ी गंगा के बीच का ये नज़ारा है, लोग काम कर रहे हैं, काम लोगों की यही मंशा है कि जल्द से जल्द इस मरीन ड्राइव को जो है वो सक्सेस तरीके से सफल करके दिया जाए सरकार को, ताकि जो लोगों की जो समस्या है पटना वासियों को, बिहार वासियों को, एक तोहफा नीतीश कुमार के द्वारा लोगों को जल्द से जल्द मिले। और इसी के तहत लोग यहाँ पर काफ़ी जो है मुस्तैदी से लगे हुए हैं और इस काम को जल्द से जल्द अमली जामा पहनाने में लगे हुए हैं। मरीन ड्राइव बनने से जाम से बहुत छुटकारा मिलेगा और लोग अपने स्थान पर बहुत जल्दी पहुँच पाएंगे, खासकर जो हाजीपुर या छपरा जाने वाले होते हैं उनको घूम के दीघा वो तो जाना पड़ता है या गांधी सेतु वो तो जाना पड़ता है, ऐसे गांधी सेतु पर लोड कम पड़ेगा। और ये पुल बनने से एक और होगा कि बिहार को एक नया पुल मिल जाएगा फिर से, गंगा के बीचों बीच ये पुल बना है तो इसका नज़ारा बहुत खूबसूरत लगेगा। आप यहाँ पटना के रहने वाले हैं क्या? जी नहीं, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं गया का रहने वाला हूँ। क्या पटना में आप रहते हैं क्या? हाँ, रह के पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं, हाँ। तो क्या लगता है कि ये आखिर क्यों ज़रूरत पड़ा नीतीश कुमार को ये पुल बनाने की? ज़रूरत जाम से छुटकारा पहला बात, दूसरा बात एक बिहार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, इसे पूरा करना ज़रूरी था। एक बिहार में भी एक ऐसा पुल होना चाहिए मुंबई की तरह, मुंबई में भी एक मरीन ड्राइव है, वहाँ पर लोग घूमने आते हैं, देखते हैं मरीन ड्राइव को, ऐसे बिहार में भी एक होता तो बाहर से लोग देखने आएंगे, खासकर गंगा के बीच में है, गंगा पवित्र जैसी नदी, मतलब दीघा से लोग जब पटना की ओर आते हैं तो काफ़ी जाम से जो है उनको सामना होता है, लेकिन जब ये गंगा के किनारे बन जाएगा तो दीघा से सीधे बिना जाम के लोग यहाँ पर पहुँच पाएंगे। और जब ये सफ़र लोगों को सुहाना लगने लगेगा जिस तरह से ये कम समय में लोग बिना जाम के आएंगे तो उनको कितनी खुशी मिलेगी? बहुत खुशी मिलेगी, उन लोगों का समय बचेगा पहली बात, और सरकार की वो लोग सराहना भी करेंगे कि हाँ सरकार अच्छा काम कर रही है, बहुत खुशी मिलेगी। जिस तरह से इस मरीन ड्राइव
जो पटना के गंगा के बीचों बीच बन रही है। जब मैंने लोगों से बात किया तो लोगों में काफ़ी खुशी है कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में एक शामिल है कि जिस तरह से पटना के सड़कों पर लगातार जाम रहती है, लोगों को अपने 10 मिनट का सफ़र कम से कम घंटों लग जाते हैं, यदि ये मरीन ड्राइव बन जाता है तो शहर से बिल्कुल हट कर गंगा के बीचों बीच जब ये बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगी तो लोग पटना वासियों को एक सौगात मिलेगी और जाम से भी मुक्ति मिलेगी और अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने में कम समय लगेगी और आसानी से जब वो पहुँचेंगे तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार को भी धन्यवाद देंगे और लोगों को ये जो है मरीन ड्राइव बनना लोगों को काफ़ी भा रहा है कि जिस तरह से सरकार ने पहल की है काफ़ी काबिल तारीफ है और ये लगातार नीतीश कुमार इस तरह की पहल करते रह रहे हैं, पुलिया बनाने का काम करें, जिस तरह से जो बिहार के वासी हैं उनको कम से कम राहत देने की जो योजना है, मनसा है, वो लगातार जो है उस पर काम करते चले जा रहे हैं। यदि हमारे चैनल से खबरों में जुड़े रहने के लिए हमारे वेब समाचार YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।